शोल्डर अभी बाहर है, शोल्डर को ऐसे इन कर लिया, राइट पैर के नीचे ऐसे लेके गए, फिर लेफ्ट पाम को ऐसे मैट पर रखा और लेफ्ट पाम को भी स्लाइड करते हुए लेफ्ट पैर के ऐसे नीचे लेके गए, ये हो गया, फंस गया। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से करते हैं कुर्मासन का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हाँ, कुर्मासन का अभ्यास करने के लिए आपकी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड अच्छी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लोअर बैक अच्छी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो इस आसन को करने से पहले मैं कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगी, वो आप कीजिएगा हर दिन, फिर आसानी से कुर्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। अब इस आसन को सिखाने से पहले मैं आपको बता दूं इस आसन के बेनिफिट क्या हैं। इस आसन को करने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, यानी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पैरों की हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। दूसरा, आपके पेट पर अच्छा खासा दबाव डालता है, यानी आपके एब्डोमिनल मसल्स को, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और सारे आंतरिक अंगों को हल्की मसाज देता है, जिससे कि आपकी इंटेस्टाइन, आपकी किडनी, आपके लिवर, आपका स्टमक, आपके लंग्स, आपके हार्ट, इन सब का फंक्शन इम्प्रूव होता है। हर्निया जिन लोगों को अभी इनिशियल स्टेज में है या इन फ्यूचर अवॉइड करना चाहते हैं, इस आसन का अभ्यास आपको बहुत मददगार साबित होगा। पेट पर हल्का दबाव पड़ रहा है जिससे कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, कब्ज की समस्या है, बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो भी इसका लाभ आपको मिलने वाला है। साथ ही वो लोग जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, जिनको शुगर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, या आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन जो है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन अच्छी तरीके से होता है, बढ़िया तरीके से होता है, उसको बैलेंस करके रखता है। और यही नहीं, ये आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। और साथ ही अगर आपको, आप चाहते हैं आपको बैक पेन ना हो, स्पाइनल कॉर्ड अच्छी तरीके से लेंथन हो रही है, तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हुई, जिससे कि आपको इन फ्यूचर कभी भी बैक पेन की समस्या नहीं होगी। ये तो हुए लाभ, लेकिन सावधानियों के बारे में भी जान लीजिए। अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं तो कुर्मासन का अभ्यास ना कीजिए, क्योंकि पेट पर दबाव पड़ेगा। साथ ही अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, अगर सीवियर कोई इंजरी हुई है, तो भी इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। अगर घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, फिर भी इसका अभ्यास ना करें। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कड़ापन है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो पहले वो प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव जाए, फिर इसके बाद इन आसनों का अभ्यास कीजिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ आपको ये सारी प्रैक्टिसेस बताने के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि छोटी छोटी बारीकियाँ आप समझ पाएँ, जान पाएँ। इस चैनल में नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए, मेरा प्रयास पसंद आए, तो मुझे और मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो भाई लाभ बता दी, सावधानियां बता दी, अब चलिए शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन की। किस तरीके से प्रिपरेटरी आसनों का अभ्यास करके आप अपने बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेंगे ताकि आप आसानी से कुर्मासन का अभ्यास कर पाएं। अब अपने राइट पैर को घुटने से मोड़कर राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रख दें ऐसे, और हील्स को थोड़ा सा अपने बेली की तरफ लेके आएं और धीरे धीरे एक पाम से ऐसे प्रेस करें नीचे की तरफ अपने राइट नी को ऐसे, 1 2 3। और ध्यान दीजिए ऐसे बॉडी ना मूव हो, बहुत से लोग ऐसे बॉडी भी मूव करते हैं, बॉडी स्टिल रखिए और सिर्फ इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगी आपके घुटनों के अराउंड जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही थाइस पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरीके से धीरे 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 इसको भी कम से कम 15 से 20 बार कर लें। जब राइट से हो जाए हाफ बटरफ्लाई पोज, और फिर उसके बाद लेफ्ट थाई को, लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रख लिया। अब राइट पाम से लेफ्ट नी को धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश करें ऐसे, बॉडी ना मूव करें ऐसे, बॉडी स्टिल स्टेबल रखें और सिर्फ अपने घुटनों को पुश करें ऐसे। तो ये घुटनों को, जिनको दर्द रहता है ना घुटनों का, घुटने के अराउंड की मसल्स, वो भी मजबूत होंगी और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। इस तरीके से हाफ बटरफ्लाई पोज करने के बाद अब फुल बटरफ्लाई, अब दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ
ऐसे जोड़ लें। अपनी हील जो है उसको अपनी बॉडी की तरफ और अंदर की तरफ ऐसे लेके आए, थोड़ा सा दोनों पाम्स को ऐसे पीछे की तरफ पुश करके एडजस्ट करें बॉडी को, और दोनों पैर के पंजों को पकड़ के कमर गर्दन सीधी रखी है, और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऐसे फ्लैप करें, फड़फड़ाएं ऐसे धीरे 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 ऐसे, तो इससे इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी ऐसे। तो जब ये फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तो आप आसानी से कुर्मासन का अभ्यास कर पाएंगे। तो इसको भी कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सेहत अच्छी होती है, और साथ ही आपकी किडनियों की सेहत के लिए ये अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, दोनों में। बहुत से लोग ऐसा कमेंट करते हैं क्या ये मेल्स कर सकते हैं फीमेल्स कर सकते हैं। योगा में कोई ऐसा फिल्टर नहीं है कि आप क्या नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई चेंजेस होते हैं या स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है वहाँ बता दी जाती है, और ना बताई जाए तो वो दोनों के लिए प्रैक्टिस है। अब आराम से दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखें और हल्का सा जेंटली इसको नीचे की तरफ पुश करें ऐसे, और कम से कम 15 से 20 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखें। सांसें नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें ऐसे। फिर उसके बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और ऐसे हल्का सा हग कर लें। अब ऐसे ही क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हुए अपने दाहिने पैर को उठाएं चेस्ट के तक ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे एक सामने की तरफ एक दूसरे के साथ फंसाएं, जैसे कि आपने गोद में कोई बच्चा लिया हो, जिससे आपकी काफ मसल, आपकी राइट काफ आपकी चेस्ट के पास ऐसे आ जाए। और अगर इतना ना उठ पाए पैर, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको दूर कर लीजिए, इतने तक से शुरुआत कीजिए, एटलीस्ट शुरुआत कीजिए। जब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए तो इसको और करीब लेके आइए चेस्ट के पास। फिर अगर अपने हाथ को ऐसे रैप कर सकते हैं तो ऐसे दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा के ऐसे होल्ड कीजिए। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक नॉर्मल सांसें लेते हुए इस तरीके से होल्ड करें, और जब ऐसा हो जाए तो थोड़ा सा इसको अंदर बाहर ऐसे मूव करें, तो इससे घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, साथ ही हिप जॉइंट्स पर भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा ऐसे। एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी ऐसे 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 ऐसे, जैसे बच्चे को खुश करना हो ना तो कैसे रोल करते हैं उस तरीके से। अब दूसरे पैर को भी इसी तरीके से दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा लिया, और ऐसे अंदर बाहर ऐसे कम से कम 15 से 20 बार कर लें ऐसे नॉर्मल सांसें लेते हुए। और सामने देखें, कमर को ऐसे झुका ना लें ऐसे, कमर को हमेशा कान सीधा रखें, कान कंधे से दूर ऐसे 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 ऐसे, और पूरी बॉडी को स्टेबल रखें। बहुत से लोगों का क्या होता है, ऐसे पूरी बॉडी मूव करने लगती है ऐसे, बहुत ज़ोर ज़ोर से ना करें ऐसे, ज़ोर ज़ोर से ना करें, धीरे धीरे करें अभ्यास, और फिर उसके बाद क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठ जाएं। कान में दर्द हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे होती हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी ये नीचे जो मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इस पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम के द्वारा आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके इन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से आज मैं सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, उनको अपनी निगरानी में योग का अभ्यास करवाती हूँ। उनको किसी भी तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़, जैसे कि बैक पेन की समस्या, नी पेन की समस्या, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर का घट जाना, बढ़ जाना, ओबेसिटी की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की समस्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाना, इसमें ये सारी ये जो क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर ये समस्याएं नहीं भी हैं तो जनरल हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप ग्रुप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप वन ऑन वन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन सीवियर है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको मुझे एक व्हाट्सएप करना होगा,
या तो मेरी वेबसाइट आप विजिट कर लेना, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर ये लाइव क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी पूरी डिटेल आपको या तो व्हाट्सएप नंबर या कि वेबसाइट में मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं जिनको कि आप अपनी स्पीड से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त कितनी बार भी अभ्यास कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और जो ये क्लासेस है एकदम 100% बिगनर फ्रेंडली है, बहुत इजी तरीके से बनाया है मैंने ये सारा सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस चूँकि मैंने डिज़ाइन किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सीक्वेंस सारे यूनिक है, ये वीडियोस आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगी। तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए और चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। जो हम प्रिपरेशन में कर रहे हैं वो है स्क्वाटिंग पोजीशन। इस तरीके से दोनों पैरों के पंजों को एक दूसरे से दूर कर लें और आराम से इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठे। अगर स्क्वाटिंग पोजीशन पे डायरेक्टली ऐसे नहीं बैठ सकते हैं तो पीछे कोई स्टूल रख लें या योगा मैट रख लें और दोनों पाम्स को इस तरीके से जोड़ें, मल आसन का अभ्यास। इस तरीके से ये आपकी हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेगा और आपके पैरों को भी मजबूती देता है ये आसन इस तरीके से, और कब्ज को भी दूर करने में बड़ा ही सहायक है। तो इस आसन का अभ्यास कम से कम 1 से 2 मिनट इस तरीके से करें। फिर उसके बाद आपकी हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर आपने काम कर लिया। अब धीरे से अब अपनी हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करते हैं। तो दोनों पाम्स को आपने ऐसे मैट पर रख देना है। साइड से देखिए, ये मलासन का अभ्यास हो गया। अब दोनों पाम, और ध्यान दीजिए जब मलासन में बैठे तो ऐसे कमर को ऐसे गोल गोल राउंडेड ना करें, ऐसे सीधी रखें कमर को और आपकी गर्दन आपकी स्पाइनल कॉर्ड एक लाइन में रहे। और फिर धीरे से दोनों पाम्स को ऐसे आपने मैट पर रख दिया और धीरे से अपनी हिप्स को अप किया, ऐसे हिप को अप किया ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग्स की यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए ऐसे। और फिर इसके बाद फिर से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ गए। इसका अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार कर लीजिएगा। सांस लीजिए धीरे धीरे, जितना हो सके अपने घुटने को सीधा कीजिए और सांस छोड़ते हुए ऐसे फिर से हिप को ऐसे ड्रॉप कर दीजिए। सांस लीजिए, पुश करें अपने हाथों से फर्श को, मैट को, और फिर धीरे से फिर से हिप को अप कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर से ड्रॉप कीजिए। तो 15 से 20 बार इसका अभ्यास कर लें। और अगर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो 10-10 के रिपीटेशन 3 सेट कर लें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अपने पैरों की, पैरों को मजबूत भी बनाना चाहते हैं साथ ही फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो सांस लें हिप पर, सांस छोड़ें स्क्वाटिंग पोजीशन, सांस लें हिप पर ऐसे और सांस लें फिर से स्क्वाटिंग पोजीशन। इसका अभ्यास कर लिया। अब वापस से अपने दोनों पैरों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करके बैठ जाएं। हमने अपनी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर ली। अब ज़रा शोल्डर्स पर काम कर लेते हैं, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। तो दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, दोनों पाम्स को ऐसे कंधे के ऊपर रखें और दोनों एल्बोज को शोल्डर के लेवल तक उठा लें और दोनों एल्बो को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ें। गहरी लंबी सांस लें, एल्बो अप टुवर्ड द सीलिंग और पूरे के पूरे कंधे को ध्यान में रखते हुए अपनी एल्बो को 360 डिग्री ऐसे घुमाएं कम से कम 10 बार। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे आगे, सांस लें आप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस छोड़ लेते हुए आप और सांस छोड़ते हुए डाउन। ऐसा हम 10 बार अभ्यास करेंगे। आप अगर इसका अभ्यास बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें। इसके अभ्यास से फ्रोजन शोल्डर की समस्या, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी जिससे कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर होगी, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। अब नीचे से ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए कभी भी आप अपना अभ्यास करें ना, बड़ी खुशी खुशी मन से करें, ऐसे रोना धोना जैसे चेहरा लेके नहीं, चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होने से ही आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा उसको ऐसा सिग्नल मिलता है कि आप ये प्रैक्टिस बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब कुर्मासन के पहले जो प्रैक्टिस बता रही हूँ ये कम्प्लीट बिगनर के लिए है। अगर कुर्मासन ना कर पाएँ तो इस अभ्यास को करें। तो क्या करें कि अपने दोनों पैरों को वाइडली ऐसे खोल लें, ऐसे जितना खोल सकते हैं। अगर इतना पैर ना खुल पाए कोई बात नहीं,
कम खोलें आपके शरीर के हिसाब से, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो, लेकिन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दोनों पैरों को जितना दूर कर सकते हैं उतना दूर करके रखें। कमर सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी ऐसे झुका न लें, ऐसे सीधी करके रखें। कान हमेशा कंधे से दूर। अब दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें और धीरे 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 वॉक फॉरवर्ड, ऐसे फॉरवर्ड वॉक करें। और जब आपको टेंशन आए आपकी इनर थाइस पर, साथ ही घुटने के पीछे की मांसपेशियों मर्जब पर जब अच्छा खिंचाव आने लगे वहीं पर रुक जाएं और चेक करें कि आप अपनी एल्बो को ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे अगर ड्रॉप कर सकते हैं तो ड्रॉप कर दें और पैरों को बाहर की तरफ ही खींच के रखें। इसको कम से कम आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक होल्ड करके रखें। 1 मिनट तक नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 10 सेकेंड से शुरुआत करें और ब्रीदिंग जो है नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें। फिर से उसके बाद ऐसे पीछे 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 आए। तो जब कुर्मासन का अभ्यास जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हर बार ऐसे कम से कम इसको भी 3 से 5 बार ऐसे अभ्यास कर लें, एल्बो को ड्रॉप कर लें। अगर चेक करें एल्बो को ड्रॉप कर सकते हैं तो धीरे धीरे उपविष्ट कोणासन, अपने राइट अंगूठे को पकड़ लिया राइट पाम से, राइट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर और थंब से ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए चेस्ट को ड्रॉप कर दिया ऐसे, और फिर फोरहेड को ड्रॉप कर दिया। फिर से सांस लिया और फिर धीरे से अपनी एल्बोज को ड्रॉप किया, वॉक वॉक बैक वॉक बैक और ऐसे। तो इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर लें। एक बार और देखें धीरे धीरे। अगर अभी आप योगा मैट के आसपास हैं और ये वीडियो देख रहे हैं दिन के जिस वक्त भी, एक बार ऐसे अभ्यास करके देखें। धीरे धीरे वॉक किया, पहले एल्बो को चेक करें ड्रॉप कर सकते हैं क्या। जब एल्बो ड्रॉप हो जाए तो फिर धीरे से राइट पैर का अंगूठा, अगर दोनों हाथ से नहीं पकड़ सकते पहले एक हाथ से ट्राई करके देखें। फिर जब आपका और भी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए, इसमें लोअर बैक और स्पाइनल कॉर्ड दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही पैरों की भी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे सामने देखते हुए सामने की तरफ ऐसे स्पाइनल कॉर्ड को खींचते हुए चेस्ट को ड्रॉप कर दें। फिर सांस लें धीरे धीरे, फिर से अपने दोनों एल्बोज को ऐसे ड्रॉप करें एंड वॉक 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 वॉक। आप दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें और अच्छी तरीके से ऐसे हग करें। तो इतना मात्र अभ्यास करने से आप महसूस कर रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से आपके पूरे के पूरे पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हुई है। इसका बहुत असर पड़ेगा जब आप इस हर दिन इसका अभ्यास करेंगे। और कभी भी अभ्यास करें तो बहुत फोर्सफुली अभ्यास ना करें, जेंटली अभ्यास करें। अपने आप के साथ बहुत जेंटल होके पेश आएं। हम दूसरों के साथ तो नरम होते हैं, हमारा जो रवैया होता है बहुत नरम दिली का होता है, लेकिन जब बात अपनी आती है तो हम अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। वो सख्ती मत दिखलाइएगा, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी टेक्स सम टाइम, और लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है ज़रूर से। बस आप अभ्यास की निरंतरता, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अब हमने उपविष्ट कोणासन का अभ्यास कर लिया, फिर से अब दोनों पैरों को खोल लिया। अब हम जो कुर्मासन का अभ्यास है उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। दोनों पैरों को ऐसे खोल लिया, अब धीरे से अपने दोनों पैरों को हल्का सा ऐसे घुटने से बेंड कर लें ऐसे। अब अपने शोल्डर्स को ऐसे, शोल्डर अभी बाहर है, शोल्डर को ऐसे इन कर लिया और राइट पाम को ऐसे स्लाइड करते हुए राइट पैर के नीचे ऐसे लेके गए। फिर लेफ्ट पाम को ऐसे मैट पर रखा और लेफ्ट पाम को भी स्लाइड करते हुए लेफ्ट पैर के ऐसे नीचे लेके गए। ये हो गया, फंस गया। अब धीरे से हाथ पैर के जो एड़ी है उसको स्लाइड करें और धीरे से पाम्स को भी ऐसे स्लाइड करते हुए मैट पर धीरे 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 ऐसे स्लाइड करें। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि जब आप अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे डाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा और शोल्डर अंदर की तरफ ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और धीरे 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 एड़ियों को स्लाइड करते हुए धीरे 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 चेस्ट को ड्रॉप कर दें और अपने अपने पैर से अपने हाथ को पुश करें और फिर चिन और फोरहेड ड्रॉप कर दें। फिर उसके बाद हेड अप करें,
चेस्ट अप करें और धीरे 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 फिर से वैसे ही एड़ियों को स्लाइड करें और दोनों हाथों को रिलीज कर दें। तो इस आसन का अभ्यास जब आप करते हैं तो शोल्डर्स आपके लॉक हो जाते हैं। मेक श्योर 100% दैट यू हैव वार्म्ड अप वेरी वेल। आपने वार्म अप किया है प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस का भी, या कि फिर आप कम से कम 3 सेट सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर कर लें। फिर से देखिए, अब जरा हाथों को रोटेट करना किस तरीके से है ये बताती हूँ। सेम पोस्चर का अभ्यास जरा साइड से देखें। दोनों पैरों को ऐसे बेंड किया घुटने से, अब दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ झुक गए। सामने की तरफ झुक के स्पाइनल कॉर्ड को लेंथन किया, लोअर बैक को बाहर की तरफ खींचा, दोनों पाम्स को ऐसे दोनों पैर के पंजों के नीचे रखा और धीरे से दोनों पैर की एड़ियों को ऐसे स्लाइड किया, स्लाइड किया, स्लाइड किया। जब यहाँ तक पहुँच जाएं, फिर धीरे से ऐसे हाथ को बाहर की तरफ खींचे और ऐसे पीछे की तरफ हेड डाउन चेस्ट डाउन। तो सांस लें और सांस छोड़ते हुए इस पोस्चर पे जाएं और हर एक बार इस पोस्चर को कम से कम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड या 1 मिनट, जैसा आपका कंफर्ट है उस हिसाब से पोस्चर को रोकें और इस पोस्चर से मिलने वाले जो लाभ हैं उसका फायदा लें। आराम से अब शवासन में लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको बताया कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे आप, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो, और फिर उसके बाद स्टेप बाई स्टेप कैसे करेंगे कुर्मासन का अभ्यास। आई एम 100% श्योर और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने अगर ये वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी तो आपको सारे स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा जाने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक में आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ। तो अपना बहुत सारा ध्यान, तो अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।